हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्डप्रेस ग्रुप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाई यूज़ वर्डप्रेस फॉर योर साइट एंड ब्लॉग, मतलब अपनी वेबसाइट बनाने के लिए या ब्लॉग बनाने के लिए जो भी आप बना रहे हैं उसके लिए वर्डप्रेस का इस्तेमाल क्यों करें, मतलब क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं वेब डिज़ाइनिंग के, कोई वेब बिल्डर्स हैं, कोई और अदर सीएमएसेस हैं, तो क्यों, मतलब वर्डप्रेस में ऐसी क्या चीज़ है कि उसे यूज़ करें। ठीक है, तो मतलब क्यों हमें वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहिए। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस फॉर योर वेबसाइट एंड ब्लॉग, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को बनाने के लिए वर्डप्रेस के क्या बेनिफिट है, मतलब क्यों यूज करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों और चीजों को ना यूज करके वर्डप्रेस को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, तो चलते हैं कि क्यों करना चाहिए। पहला कारण, बिकॉज इट इज टोटली फ्री, ये एक टोटली फ्री ओपन सोर्स सिस्टम है, इसको आप कितना भी एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ये सबके लिए है, तो ये सबसे पहले फ्री है, टोटली फ्री है। सेकेंड, WordPress is very SEO friendly CMS, ये और CMS के मुकाबले में या और टेक्निक के मुकाबले में जो है ज़्यादा SEO friendly है खुद भी। इसमें एक परमालिंक स्ट्रक्चर है जिससे आप अपने URLs को मतलब कीवर्ड के अकॉर्डिंग मतलब उसमें कीवर्ड्स लगा सकते हो। इसके अलावा प्लगइन्स हैं जो एक्स्ट्रा और ओवर आपने मतलब जो है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर उसकी करनी है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लगइन्स तो हैं ही, लेकिन प्लगइन्स के बगैर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये भी मानते हैं कि अगर वर्डप्रेस में कोई ब्लॉग या साइट बनाई जाए तो वो जल्दी गूगल में इंडेक्स हो जाती है, वर्डप्रेस को गूगल जल्दी इंडेक्स कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर जो है मतलब वर्ल्ड का मेरे हिसाब से नंबर वन CMS इस टाइम तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, तो ये सेकेंड थिंग इज ये SEO फ्रेंडली है। तीसरा, easy to use and customize, ये easy to use है और easy to customize है, मतलब इसको जो व्यक्ति मतलब जो कोडिंग नहीं भी जानता है, सपोज आप कोडिंग नहीं जानते या अगर आती है तो अच्छा है, बेटर है, आप और ज़्यादा उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट अगर आप कोडिंग लेवल पे नहीं भी हैं तब भी आप इसको इंस्टॉल करके और इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एमएस वर्ड। वैसे चलो एमएस वर्ड और इसमें थोड़ा फ़र्क तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वैसा वैसा ही है, तो इजी है, मतलब तो इजी टू यूज़ है, कोई भी अगर कोडिंग नहीं जानता तो भी उसमें अपनी मतलब ब्लॉग सेटअप करके उसमें पोस्ट या पेजेस क्रिएट कर सकता है और लिख सकता है अपना ब्लॉग जो भी है, या फिर साइट बना रहा है तो उसे बना सकता है और साथ में मैनेज भी कर सकता है। और इजी टू मैनेज है, इजी टू यूज़, इजी टू मैनेज और इजी टू कस्टमाइज, मतलब अपने हिसाब से आप साइड बार पे चीज़ें लगा सकते हो, एड्स लगा सकते हो, सोशल विजेट्स लगा सकते हो या कुछ भी। ठीक है, तो इजी टू यूज, इजी टू कस्टमाइज एंड इजी टू मैनेज साइट है ये, मतलब जो भी आप वर्डप्रेस में बनाएंगे। तीसरा कारण ये है। चौथा, क्विक इंस्टॉलेशन, ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है अगर आप इसको इंस्टॉल करें, सिर्फ इसकी फाइल को अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, वो तो खैर आपके इंटरनेट स्पीड पे या आपके अपलोड करने के तरीके पे है। वैसे हार्डली आई होप सो 5 to 10 minutes तो लग ही सकते हैं, चाहे इंटरनेट स्पीड हाई भी हो, और विद इन 2 minutes या 1-2 minutes में ये इंस्टॉल हो जाता है। थोड़ा सा सेटअप करना होता है, इवन तो क्या मतलब 15-20 minutes में वर्डप्रेस को आसानी से सेटअप कर सकते हो, तो क्विक इंस्टॉल होने वाला CMS है। दूसरी बात ये है कि जितने भी वेब होस्ट्स हैं उनके अंदर भी वर्डप्रेस के लिए क्विक इंस्टॉल का ऑप्शन होता है, जैसे वर्डप्रेस, जूमला या ड्रूपल या और भी कई सारे CMS हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस जो होती है वर्डप्रेस को होती है। तो मतलब जब आप अपनी होस्टिंग खरीदते हो और उसके cPanel में जाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का एक सॉफ्टवेयर का सेक्शन होता है जहाँ पे वर्डप्रेस को क्विक इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है, मतलब आपको फाइल्स भी लोड नहीं करनी है, बस आपको सिर्फ क्विकली इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से अगर आप मैनुअली करते हो तो भी ये जल्दी इंस्टॉल होने वाला CMS है, और यदि आप होस्ट के थ्रू करते हो जो कि उसने क्विक इंस्टॉल का ऑप्शन रखा होता है तो उसके थ्रू तो नेचुरली आप 2 मिनट में इसको इंस्टॉल कर लोगे, और आप 2 मिनट बाद इसमें अपना थीम चूज करके या कोई भी मतलब जो भी कस्टमाइजेशन करके अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हो अपने कंटेंट्स वगैरह डाल के। तो ये क्विक इंस्टॉल्ड होने वाला CMS है। और पांचवा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये मोर सेफेस्ट एंड सिक्योर CMS है, मतलब ये बहुत ही सेफ है, सिक्योर है, ठीक है ना,
WordPress is a more safest and secure CMS ever because updating regularly time to time. ठीक है, ये मतलब जो है WordPress जो है वो time to time update होता है, ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले जो सेटअप बनाया था वही आज तक लोग यूज़ कर रहे हैं या वो सालों से अपडेट नहीं हो रहा है, कहीं ऐसी मतलब CMS होंगे या कहीं ऐसा तरह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जो अपडेट नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, आप तो चलो नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन WordPress जैसे कि आप जानते हैं सबसे फेमस है, इसके अलावा भी और भी है, जैसे जुमला भी बहुत फेमस है लेकिन WordPress सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये टाइम टू टाइम अपडेट होता है सबसे बड़ी बात है, और जो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होते हैं उनमें सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, तो नेचुरली है कि WordPress टाइम टू टाइम अपडेट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाता है, ठीक है, तो ये इसकी पांचवी खासियत है, तो सिक्योरिटी बेसिस पे भी WordPress एक अच्छा सोल्यूशन है किसी भी ब्लॉगर के लिए या वेब मास्टर के लिए। छठा बेनिफिट है कि थाउजेंड्स ऑफ फ्री थीम्स एंड प्लगइन्स टू डिज़ाइन एंड कस्टमाइज WordPress बेटर, ठीक है। छठा जो बेनिफिट है वो है कि हमारा जो मतलब WordPress है, wordpress.org पे जाएं तो बहुत सारे आपको थाउजेंड्स क्या मिलियंस ऑफ थीम्स मेरे हिसाब से मतलब wordpress.org पे होंगे, पर थाउजेंड्स तो होंगे ही, थाउजेंड्स ऑफ थीम, ठीक है, और इसके अलावा फ्री थीम्स, और इसके अलावा थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ फ्री प्लगइन्स भी हैं, तो थीम्स और प्लगइन्स जो है थाउजेंड्स या मिलियंस में मतलब बहुत सारे हैं, तो इवन कि मैंने भी आज तक कभी पूरे नहीं किए, मुझे भी जिनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने हो सकता है 100, 200, 500 प्लगइन्स आज तक ट्राई किए हों, तो नेचुरली है कि बहुत सारे हैं, तो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है हम वो ट्राई करते हैं जिसकी जो ज़रूरत है, क्योंकि WordPress में हर तरह की साइट बनती है, तो जिस तरह की हमने बनाई होगी तो हर तरह की साइट के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग प्रकार के उसको मतलब प्लगइन्स की ज़रूरत होती है जिस तरह का उससे आप काम करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स जो है फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें ऐसा नहीं है पेड सोल्यूशन भी है, लेकिन अगर आप लेना चाहें बट फ्री में भी आपके बहुत सारा मतलब मैं कहूँगा कि अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं फ्री में भी, अगर आप चाहें तो काफ़ी हद तक मतलब आपको बहुत सारे सोल्यूशन इजीली मिल जाते हैं, जिससे कि आपको एक वेबसाइट या ब्लॉग को डिज़ाइन करना या कस्टमाइज करना मतलब बेटर तरीके से कस्टमाइज करना या डिज़ाइन करना पॉसिबल हो जाता है, और बहुत ही कम टाइम में आप अपना ब्लॉग बना लेते हो या उसे अच्छा बना लेते हो या उसे इजीली मैनेज कर लेते हो इन चीज़ों की वजह से, मतलब यानी कि आपको कोडिंग नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इन चीज़ों से अपनी साइट पे काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी जनरेट कर सकते हैं थीम्स और प्लगइन्स के लिए। थीम्स जो है वो डिज़ाइन बनाता है, यू नो जो फ्रंट एंड होता है जो लोगों को दिखाई देता है, और प्लगइन्स जो है फंक्शनैलिटी जनरेट करते हैं, मतलब किसी भी मतलब जो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया जाता है, जैसे सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ विंडो एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक एमएस वर्ड, तो मतलब प्लगइन्स जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, एक प्लगइन एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया होता है, तो इससे आपका जो वर्डप्रेस है या कोई भी वेबसाइट है, वर्डप्रेस में अगर आप बनाते हैं कोई भी आपकी वेबसाइट या ब्लॉग है उसे डिज़ाइन करना और कस्टमाइज करना आसान हो जाता है, और इवन कि बेटर से बेटर या प्रोफेशनली डिज़ाइन उसको आप दे सकते हो और इजीली कस्टमाइज कर सकते हो इन फ्री थीम्स और प्लगइन्स के बल पे, जो कि थाउजेंड्स ऑफ है, मतलब उम्र बीत सकती है उन्हें सबको ट्राई करते करते, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फ्री जो CMS है वो भी फ्री है, थीम्स फ्री हैं और प्लगइन्स फ्री हैं, उसमें से कौन कौन से अच्छे हैं किस में बग्स है ये तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस हैं, जो कि इवन कि मैंने जुमला ट्राई किया था पास्ट में, तो नेचुरली कि जुमला के लिए मुझे एक्सटेंशंस नहीं मिली, इवन कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं, यानी कि कम है मेरे हिसाब से, तो WordPress में बहुत ज़्यादा, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत फ़ायदेमंद है यदि आप इसमें वेबसाइट या ब्लॉग बना रहे हैं। तो सेवन्थ बेनिफिट है आपका कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, अगर कोई थीम है या प्लगइन है उसमें आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आप कुछ लिख सकते हैं अगर आपका इशू आएगा, और लोगों के जो वो होंगे तो वो भी वहाँ पे दिखाए जाते हैं कि किसी का कोई प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन क्या था या कुछ भी है, मतलब यानी कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट भी है WordPress के अंदर, ठीक है। आठवां बेनिफिट है कि रेगुलर WordPress अपडेट्स थीम्स प्लगइन्स एंड WordPress, ठीक है,
मीन्स कि मतलब जो है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वर्डप्रेस ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ सीएमएस है, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है। इसके अलावा इसके पास जो थीम्स हैं, मतलब जो यहाँ पे wordpress.org पे फ्री थीम्स हैं, जब आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं या प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, तो टाइम टू टाइम जो है वर्डप्रेस आपको मतलब जो है उसके अपडेट की जानकारी देता है कि ये मतलब इसका नया वर्जन आ चुका है, आप इसको अपडेट कर लें। तो वो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि वर्डप्रेस के और उसके थीम्स के और प्लगइन्स के टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, तो रेगुलर अपडेट्स हैं मतलब। तो इससे ये ज़्यादा सिक्योर, सेफ और मतलब बेटर बन जाता है, क्योंकि रेगुलरली आपको अपडेट्स भी मिल रहे हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। इसलिए भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और वर्डप्रेस में एक और ऑप्शन है, वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन ऑप्शन। मतलब जो थीम है आपका, थीम में एक ऑप्शन होता है, यदि आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो, ये नहीं करते तो जब करेंगे तो आप देख सकते हैं, उसमें एक एडिटर ऑप्शन होता है जिसके अंदर जाकर आप स्टाइल शीट को एडिट कर सकते हो, पीएचपी फंक्शंस को एडिट कर सकते हो, या फिर फूटर हेडर जहाँ भी है वहाँ कस्टमाइजेशन कर सकते हो थ्रू कोड। इसमें थोड़ा सा पीएचपी और जावा और एचटीएमएल का ही मतलब जो है कॉम्बिनेशन होगी यहाँ पे कोड के, और साथ में सीएसएस भी होगी। तो आप स्टाइल शीट में कोई चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोर्स में कोई चेंज करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ उसमें मतलब नए तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहाँ से। तो सबसे बड़ी बात की वर्डप्रेस में थीम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, मतलब उस थीम को आप अपने लेवल पे भी, अगर कोई थीम बना है, नेचुरली वो बना होगा तो ठीक ही बना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे ज़्यादा बेटर उसको बनाना या कस्टमाइज आप करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो नेचुरली है कि वो भी इसमें ऑप्शन है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड बेटर साइट स्पीड एक्सपीरियंस, मतलब ये वर्डप्रेस जो है नेचुरली रेगुलरली अपडेट होता है, उसके लिए थीम्स भी बहुत है वो भी रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, और इसके अलावा प्लगइन्स हैं वो भी रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं, तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ज़्यादा सेफ हो जाता है, और ये स्पीड को भी मतलब आपकी साइट को भी स्पीड अप करता है। बट एक चीज़ ज़रूरी है इसमें जो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब आपको थीम इस तरह के चुनने चाहिए जो कि मतलब ज़्यादा ऑप्टिमाइज, क्योंकि फ्री में आपको पता है कि कुछ थीम्स ऐसे भी होंगे जिनमें जिनके कोर्स अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है और आपकी साइट की स्पीड को गिरा सकते हैं, मतलब जैसे स्लो कर सकते हैं, जैसे आप खुलेगी तो बहुत देर से खुलेगी। तो ये आपको ज़रूर देखना होगा कि कौन सा थीम है, क्योंकि फ्री में हम वो कोई गारंटी वारंटी नहीं देते, जबकि हम प्रीमियम थीम खरीदते हैं तो उसमें हम नेचुरली है कि जो बनाने वाला है उसको तंग कर सकते हैं या उसे कह सकते हैं या उसमें अगर कोई कमी है, बट जनरली उनमें होती नहीं। लेकिन फ्री थीम्स में ऐसा है कि अब थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं उसमें, तो उनमें से सब सबके कोर्स ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। जब भी आप कोई थीम यूज़ करें तो उसको इंस्टॉल करें और उसकी पेज स्पीड चेक कर लें, अगर उसकी पेज स्पीड डाउन आ रही है तो इट मीन्स कि वो लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है या उसमें कुछ बग्स हो सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि कौन सा थीम आप चूज़ कर रहे हैं। बट ऐसा है कि ऐसा नहीं कह सकते कि सारे थीम्स जो है मतलब आपकी स्पीड को डाउन करते हैं, बट कुछ थीम्स ऐसे हो सकते हैं। और इसके अलावा थीम्स के अपडेट लेते रहना या उनको अपडेट करते रहना ज़रूरी है, जो कि यहाँ मिलते रहते हैं, तो इसलिए ये आपकी साइट को अच्छा स्पीड एक्सपीरियंस भी देता है, मतलब पेज स्पीड एक्सपीरियंस देता है यूज़र को। और इसके अलावा जो प्लगइन्स हैं वो आपको कम से कम इंस्टॉल करने चाहिए, क्योंकि प्लगइन्स में जावा पीएचपी और आपका जो भी है सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कोड्स ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो सकती है। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि प्लगइन्स यूज़ नहीं करने, बट प्लगइन्स को देख लेना और जिनमें बग्स हो वो ना यूज़ करें, या जिसके कोर्स अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हों और जो मतलब आपकी साइट की स्पीड को स्लो ना करे, तो मतलब ये आपको खुद ही चेक करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्लगइन्स ना लगाने की कोशिश ना मतलब कोशिश ना करें कि बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ के लिए प्लगइन, जितना हो सके कम से कम प्लगइन का यूज़ करें, जिससे कि आपकी स्पीड साइट स्पीड जो है काफ़ी अच्छी रहेगी और उनको रेगुलरली अपडेट करते रहें। तो इस तरह से आप अच्छा जो है पेज स्पीड एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, मतलब वर्डप्रेस को यूज़ करके ईजीली। बट ये है कि इवन कि पेज स्पीड को बढ़ाने के लिए प्लगइन्स भी है, लेकिन कई जगह कुछ प्लगइन्स आपके लिए दिक्कत भी खड़ी करते हैं, तो ये तो चलो आपको देखना पड़ेगा। बाकी मतलब ये है कि कम से कम जो है मतलब सबसे पहले थीम अच्छा चुने, उसे पहले देख लें, और साथ में प्लगइन्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सके, ताकि आपकी साइट का स्पीड एक्सपीरियंस और अच्छा रहे। ठीक है, वैसे तो वर्डप्रेस का अच्छा है ही, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा वो डाउन हो सकता है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ कह दिया। तो दसवां जो बेनिफिट है हमें वो ये है कि ये हमें अच्छा वेबसाइट पेज स्पीड का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो वर्डप्रेस है, तो इसको यूज़ करने से हमारी साइट की स्पीड अच्छी हो सकती है, मतलब एक नॉर्मल साइट से अच्छी स्पीड
इसकी हो सकती है और इजी टू मैनेज है, फ्री है और बहुत सारे सॉरी बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किए अभी तक। मैंने इसमें 10 बेनिफिट्स आपको बताए जो टॉपर हैं, बाकी इसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के, तो चलो उन्हें फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको जो बस सॉरी सो जो 10 मेन बेनिफिट्स हैं कि वर्डप्रेस को यूज़ करने के वो बताए, और अब आपको पता चली होगी क्यों आपको वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए और क्यों ये औरों से बेटर है। तो नेचुरली इसको यूज़ कीजिए और अपने खुद ही मतलब अपने ब्लॉग को बनाइए विदाउट कोडिंग और उसे मैनेज कीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप में इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत है, बाकी आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट बड़ी इजीली सेट कर सकते हैं और उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है इसको आपको ट्राई करना चाहिए और अपनी जो भी ऑनलाइन बिजनेस या जो भी आप ब्लॉग बना रहे हैं उसकी उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए वर्डप्रेस आपकी पूरी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें जो भी हम अपडेट करते मतलब डालते हैं। और थैंक्स दोस्तों, हैव अ नाइस डे।